इपेक, वो बहुत सीरियस है, तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है। कहाँ मिलेगा इतना प्यार करने वाला? मुझे परवाह नहीं, सामने आएगा तो मार डालूंगी। यार तुम क्या चाहती हो मुझसे हया? अब क्या मैं उस पागल कैरम से शादी करके 3-4 बच्चे पैदा करूं? बताओ। हाँ, ये मेरे बारे में नहीं है इपेक मैडम, उसे प्यार हो गया है तुमसे। कह रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड से जाकर बात करेगा वो। और तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो, क्या किया है उसने ऐसा? यहाँ तो झूठे और मक्कार भरे पड़े हैं। कैरम तो बिल्कुल वैसा नहीं है, उसका दिल तो पानी की तरह साफ है। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। असली अब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा उस पागल मुच्छड़ की परवाह करने लगी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग लड़ना बंद करो। देखो इपेक, मैं जानती हूँ उसका पीछा करना तुम्हें पसंद नहीं है, पर मुझे नहीं लगता वो हार मानने वाला है। तो उससे ऐसे ही बेवजह लड़ने की बजाय तुम उससे बात क्यों नहीं करती, समझा क्यों नहीं देती? सही कहा। आई नो, अगर पसंद नहीं है तो जाकर उसे बोल दो, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कैरम बहुत अच्छा लड़का है, खुद परेशान हो रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ऊपर से हमारा सर भी हार क्या? इपेक का कॉल? सच में? ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली? हेलो इपेक। हेलो कैरम। इपेक, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं ये पल कभी नहीं भूल सकता, आज का दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता। शाम के 6:45 मिस इपेक ने इस नाचीज को कॉल किया था। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं फोन रख दूंगी कैरम। तो क्या आज हम मिल सकते हैं? क्या कहा? फिर से कहो। क्या आज हम मिल सकते हैं? तुम बस कह के तो देखो जान, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा इपेक। होश में आ जाओ, हम बस बात करने वाले हैं, समझ गए? और कुछ नहीं। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रहा था, बस इतना बता दो कि कब और कहां मिलना है, तुम्हारा बंदा हाजिर हो जाएगा। कैरम, बताओ कौन सा वाला? मैं समझा नहीं। हैप्पी वाला कैरम, आशिक कैरम, दीवाना कैरम? सबसे पहले मुझे मुबारकबाद तो दो। कम से कम हम में से कोई तो खुश है। कोई बहाना नहीं, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलो सेलिब्रेट करते। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के नाम। और तुम्हारे नाम? हाँ, प्रॉब्लम और मेरा नाम अक्सर साथ ही आते हैं। इपेक और हयात बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुम जानते हो। तुम्हारा इशारा मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी शायद तुम्हें पता नहीं है, हयात की जिंदगी में कोई और है करीम। ये क्या कह रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ कपल स्टेट पर जाएंगे। हमारा बस प्रोफेशनल रिलेशनशिप है करीम, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओहो, कितने जालिम हो दोनों, मेरे बगैर शुरू हो गए। जनाब, आपको गर्लफ्रेंड मिल गई, बस उसी का जश्न मना रहे हैं। वाह, बहुत मुबारक हो, वो तुम्हें बर्बाद कर दे। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ दुरुक, लगता है रात बहुत लंबी होने वाली है। पता नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। देखो कैरम, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। मैं गहरे समंदर में हूँ और सांस नहीं ले पा रहा। देखो कैरम, पता नहीं कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूं। तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, तुम गलत समझते हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। क्योंकि तुम मुझे हमेशा अनदेखा करती हो, ना कभी ठीक से देखा ना कभी सुना,
बस इग्नोर कर देती हो मुझे। कैरम, ये सब प्लीज बंद करो, खुद को दर्द मत दो। मुझे फोन करना, मिठाई भेजना, मेरे रास्ते में आना, एमने आंटी और फाडिक आंटी से बेवजह मिलना, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, माफ करना तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। बात यह है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। मुझसे दूर रहो कैरम, क्योंकि ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। मेरा दिल तो तब टूटा था जब तुम्हें पहली बार देखा था। मेरा दिल टूटा है क्योंकि इस दिल के पास तुम नहीं हो। हम कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दिन और रात की तरह हैं। मैं ठंड हूं तो तुम गर्माहट हो, मैं मतलबी हूं और तुम्हारा दिल साफ है। दिन के बिना रात का क्या मतलब है पैक? ठंड के बिना गर्माहट का कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी हर कमी पूरी करने का मौका दो पैक। मैं हर कमी पूरी करना चाहता हूं, बस यही एक सलूशन है पैक। मुझे भूल जाओ कैरम, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत वक्त नहीं है जो बीत जाएगी, मुझे यकीन है। पता नहीं तुम कब समझोगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तुम समझोगी। मेरी मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं है पैक। एपेक, मुझे तुम्हारा हमदम बनने का एक मौका दे दो, मुझे तुम्हारी सांस बनने का मौका दो, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मुझे वहां रहने दो। तुम मुझे जानते भी नहीं हो तो मोहब्बत कैसे कर सकते हो? बकवास करने के लिए मैं ही मिली थी। नहीं नहीं एपेक, तुम ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों कहती हो? अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों हमारे बीच एक डील करते हैं। मुझे बस 1 महीना दो, 1 चांस दे दो बस, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें जानने दो, तुम्हें प्यार करने दो। 1 महीने बाद अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम चाहे तो मेरी शक्ल भी मत देखना, लेकिन तुम भी वही महसूस करो जो मैं करता हूं तो हम हमेशा साथ रहेंगे, ये वादा है मेरा। बोलो एपेक, क्या ये मंजूर है तुम्हें? क्या 1 मौका दे सकती हो मुझे? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। Thank you.